मेटल कंपनी में युवाओं को नौकरी के नाम पर उनका शोषण किया जा रहा है। जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के नाम पर युवाओं को हाथ में डंडा पकड़ा कर और गाय और बकरी भगाने का काम दिया जा रहा है। साथ ही युवा वर्ग बेजुबान जानवरों को बेरहमी से मारते हैं ताकि सूजागढ़ कंपनी की गाड़ियां जो हमेशा ओवरलोड रहती है वह जल्दी से जल्दी सिटी से बाहर निकल जाए और कंपनी का सारा माल सही ठिकाने पर पहुंच जाए। जब सूजागढ़ कंपनी की गाड़ियां एलापल्ली शहर से निकलती है तो पूरा शहर धूल धूल हो जाता है। वह माइंस की लाल राख उड़ते हुए पूरे शहर को गंदा करते हुए कोसों मील दूर तक जाती है। और अगर रास्तों की बात करें तो सूजागढ़ लॉयड मेंटल कंपनी ने अपनी गाड़ियां निकालने के लिए रास्ते बनाए हैं। राष्ट्रीय मार्ग अगर देखा जाए तो आपको इतने गड्ढे मिलेंगे कि आम आदमी की बात करें तो वहां से फोर व्हीलर लेकर नहीं जा सकते, ना ही दो पहिया गाड़ी निकाल सकता है। हमने इस संदर्भ में कंपनी के उच्च अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि इस रोड के लिए हमने ठेकेदार को बताया है मगर ठेकेदार काम छोड़कर भाग गया, हमें दूसरे ठेकेदार की तलाश है। इस प्रकार बातों को टाल दिया। कंपनी के उच्च अधिकारी ने समय आने पर हम इसका रोड का वीडियो आपके सामने प्रकाशित करेंगे और सूजागढ़ कंपनी के घोटाले सामने लाते रहेंगे और युवा वर्ग को न्याय दिला कर रहेंगे। कुछ दिनों से या लॉयड मेटल नामक एक कंपनी की शुरुआत हुई है जो सूजागढ़ में उत्खनन कर रही है, जहाँ पे लोगों को रोजगार दिया जा रहा है ऐसा वो कंपनी के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन रोजगार के नाम पे यहाँ के युवाओं को शोषण किया जा रहा है। जैसे कि हाथ में डंडा थमाकर भैया भैंस भगाने का काम वो ट्रक के आगे कर रहे हैं और उसी तरह जो उनके बड़े अधिकारी लोग आ रहे हैं उनको सैल्यूट मारने का काम कंपनी द्वारा दिया जा रहा है। यही अगर रोजगार के नाम पर या लोगों या ये लोगों को दिया जाए तो अगर यही यहाँ के युवाओं को डंडा हाथ में थमाकर रोजगार दिया जाए तो ये गलत है। यहाँ के लोगों को जो ऑफिशियल काम है जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर ये सभी चीज़ें तो ऑफिशियल नौकरी दिया जाए। यहाँ के स्थानिक लोगों को ऑपरेटर ये सभी चीज़ क्यों नहीं दिया जा रहा है ये एक प्रश्न है, क्योंकि जो माल आवक जावक हो रहा है यहाँ से ये चीज़ स्थानिक लोगों को पता चले तो इसका विरोध हो सकता है, बोल के यहाँ के स्थानिक लोगों को कुछ पता नहीं चलने दे रहे, इसलिए रोजगार के नाम पे बस 15 से 20 हजार रुपए की जो नौकरी है जो रास्ते पे खड़ा होने की वो दे दिया जा रहा है। BCN न्यूज के माध्यम से BCN न्यूज अहेरी से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।